मैथ्स पेडागॉजी फॉर सीट एट। अब फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गिनती के क्वेश्चंस होंगे और वो गिनती के क्वेश्चंस में से आप सही करके आएंगे, मतलब 15 में से 10। स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने, और फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आस्क्ड टू राइट 44, भाई बच्चों को 44 लिखने के लिए कहा गया, 44, सम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 2 रोट इट एज 404, भाई 404 लिख दिया, 404 लिख दिया कुछ बच्चों ने, जब उनको 44 लिखने के लिए कहा गया, एज अ टीचर हाउ विल यू एड्रेस दिस। अब ये एक समस्या है आपके लिए, एक टीचर के रूप में तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। पहला ऑप्शन है करेक्ट देयर आंसर इन देयर कॉपीज, आप उनकी प्रतियों में, उनकी कॉपियों में जो है सही कर देंगे, या फिर एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटीरियल, भाई प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज जो है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे कॉन्क्रीट मटेरियल का इस्तेमाल करके, कॉन्क्रीट मटेरियल जिसको वो छू सकें, देख सकें, जिसमें वो इन्वॉल्व हो सकें, या फिर नेक्स्ट है ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली, आप उनके साथ उनको ग्रुप में बिठा देंगे बच्चों को जिन्होंने उस क्वेश्चन को या इस बात को सही किया होगा, या फिर डी ऑप्शन टेल देम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर, मतलब आप उनको बताएंगे कि भाई सही आंसर क्या है। बी ऑप्शन का मतलब है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल, बिल्कुल भाई ये क्या बात है, कॉन्क्रीट यानी मूर्त, ठोस की जगह मूर्त सामग्री का आप इस्तेमाल करते हुए बच्चों के सामने जो विनिमय का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज है, आपको पता है कि भैया 1 cents और 100 की जो वैल्यू है वो कैसे क्या पूरा काम में आती है, वो आप उनको सिखाएंगे किसके थ्रू। अगर बच्चे 11 साल तक का बच्चा है, स्पेशली प्राइमरी का अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कॉन्क्रीट मटेरियल का इस्तेमाल करके आप सबसे बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं, ग्रेड 2 लिखा हुआ है साफ साफ, और कॉन्क्रीट मटेरियल को जितना ज्यादा वो इस्तेमाल करते हैं, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उतनी कंफ्यूजन दूर होगी बच्चों के बीच। अब किस तरीके के कॉन्क्रीट मटेरियल को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो ये जो 1 cents का जो पूरा एक प्रोसेस है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज है, इसको आप कैसे सिखा सकते हैं, तो आप कॉन्क्रीट मटेरियल दिखा सकते हैं, एक्टिविटी करके दिखा सकते हैं, भाई 4 ones को और 2 tens कैसे क्या एक कॉम्बिनेशन बनेगा, कैसे वो पढ़ पाएंगे, 1 cents और 100 का जो कॉन्सेप्ट पूरा आप सिखा दें, तो ये आप सिर्फ बोल करके नहीं सिखाएंगे, सिर्फ चौक से और डस्टर से नहीं सिखाएंगे, आप एक्टिविटी करके सिखा सकते हैं ये चीज, ठीक है बात, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005, भाई एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एक एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो टाइप पूछा ही जाता है, बस नंबर में चेंज थोड़ा बहुत भाषा में चेंज, थोड़ा बहुत ऑप्शन में चेंज, हद से हद, है ना। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कौन सा एक टॉपिक है जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता प्राइमरी लेवल पर, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, और कई बार तो ऑप्शंस भी सेम दिए हैं, ठीक। तो पहला ऑप्शन है टेसिलेशन, फिर है सिमेट्री, फिर है पैटर्न्स, एंड लास्ट वन इज योर रेशो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सिंपल, रेशो अनुपात की अगर हम बात करें, रेशियो की, तो ये प्राइमरी क्लास के लिए रिकमेंडेड नहीं है एज पर एनसीएफ। बाकी जो टेसिलेशन है भाई, आप कैसे एक शेप में कैसे अलग अलग पैटर्न या सेम पैटर्न के साथ उसको पूरा फिल किया जाता है, सिमेट्री है कोई भी एक शेप है अगर, तो कैसे वो सिमिलर ऑपोजिट पार्ट्स उसके होंगे, मैं पिक्चर्स के थ्रू आपके साथ डिस्कस कर लेती हूं। तो रेशो आपको कई बार ऐसा मिलेगा कि कोई एक बाकी के 3 सेम दे देगा, आपको पता होना चाहिए, इसके लिए आप 5th तक की, 3rd, 4th, 5th की मैथ्स की बुक उठा करके टॉपिक देख सकते हैं कि कौन से वो टॉपिक हैं जो उसमें दिए हुए हैं छोटे बच्चों के लिए, इतना आपको पता होना चाहिए, एक डायरी बना के नोट कर लो चाहे तो, ठीक, या फिर मैं किसी एक वीडियो में करा दूंगी। तो ये 3 बहुत कॉमन देगा आपको ऑप्शन, 4th ऑप्शन कुछ चेंज कर देगा, रेशो यहां पर नहीं होगा, या इसी तरीके का कोई और अगर ऑप्शन देता है तो वो प्राइमरी में आप नहीं सिखाते। देखना चाहें अगर हम, तो ये हमने अभी डिस्कस किया, ये है टेसिलेशन, या तो एक तरह की शेप या तो डिफरेंट शेप के साथ एक पूरा जो पैटर्न है उसको फिल किया हुआ है। अगर हम बात करें सिमेट्री की, तो आप देख रहे हैं अगर शेप को कट किया जाए तो बिल्कुल सिमिलर साइड्स जो हैं ऑपोजिट वो बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, जैसे ए में भी सिमेट्री होती ही है, और भी कितने सारे वर्ड्स हैं जो सिमेट्रिकल हैं, ठीक। तो ये एक बेसिक बात हुई, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज और TLM कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू शो दैट 2 रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन हैव सेम एरिया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, मतलब कि इनमें से कौन सा एक रिसोर्स, मतलब संसाधन या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड आप इस्तेमाल करेंगे ये दिखाने के लिए, क्या शो करने के लिए, कि 2 डिफरेंट रेक्टेंगल्स जो हैं, 2 डिफरेंट डायमेंशंस के, वो उनका एरिया सेम हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, ये आप कैसे दिखाएंगे, कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो इसके लिए बेस्ट काम करेगा। आपको पता है अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं, तो एल इंटू बी होता ही है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे अगर, तो ऑब्वियसली अगर ब्रेथ और लेंथ
अलग अलग भी हैं तब भी जो एरिया है वो सेम आ सकता है यदि वही दो नंबर हैं आसपास घूमते हुए। ठीक, तो इस केस में आंसर क्या होगा, स्केल का यूज करेंगे, ग्राफ पेपर का, थ्रेड का या टाइल का। अब इन दोनों में से भी आपको यहां पर कॉम्बिनेशन चूज करना है। आंसर कीजिए फटाफट से। बी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, बी का मतलब है बी एंड डी। ग्राफ पेपर बिल्कुल सही बात है, आप दिखा सकते हैं उसमें। और क्या है, टाइल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों को रेक्टेंगल की फॉर्म आसानी से आप शो कर सकते हैं। ग्राफ पेपर वो जो ग्रीन वाला मिलता था आपको स्कूल में कभी कभी, और इसके अलावा अगर टाइल्स की बात करूं तो बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप बहुत आसानी से आप समझा सकते हैं एरिया के बारे में। तो बी और डी जो है वो सही हुआ, इसलिए बी ऑप्शन सही है जिसमें इन दोनों की बात की गई है। अगर मैं दिखाना चाहूं पिक्चर के थ्रू तो आप लोग देखेंगे। और वैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है, अबेकस है, कुछ कुछ चीजें हैं, उनको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागॉजी की। ठीक, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं भाई कि जो अगर डिफरेंट डायमेंशन है, डिफरेंट दिखने वाले भी हैं, उसका भी एरिया क्या होगा, सेम ही आएगा दोनों का, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ अगर आप आगे पीछे करेंगे तो बराबर आ जाएगा। सेम कहानी यहां पर लागू होती है। ठीक, तो एक बेसिक चीजें हैं जिनका आपको बेसिकली पता ये होना चाहिए। मैथ्स का आपको गणितज्ञ नहीं बनना, यहां सिर्फ आपको पता हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप किन मेथड्स के थ्रू पढ़ाएंगे, किन टीएलएम्स के थ्रू आप इस्तेमाल करके उनको ज्यादा से ज्यादा आसानी से सिखाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अंडर अचीवमेंट का एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन गड़बड़ हुई है इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों के द्वारा इस बार। पहला है जेंडर, फिर है सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स या फिर इनेट एबिलिटी ऑफ पर्सन। बी मतलब सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, अब इसको समझेंगे हम। बात हो रही है कौन सा एक फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है अंडर अचीवमेंट में, मतलब कम अगर अचीव कर पाया बच्चा मैथ्स में तो कौन सा एक फैक्टर जिम्मेदार हो सकता है चार ऑप्शंस में से। पहला है जेंडर, जेंडर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है मैथ्स आने और ना आने के लिए। एक क्वेश्चन ये भी आपको रखा हुआ मिल जाता है पेपर में कि लड़कियां मैथ्स नहीं सीख सकती, भाग जाइएगा दूर उस ऑप्शन से, वो आपका नंबर कटवाएगा। और मूर्खता भी है अगर ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां मैथ्स में कमजोर होती हैं या नहीं सीख सकती, तो ये क्या है, ये जेंडर बायस है, ये कोई फैक्ट नहीं है। ठीक, तो ये तो हट गया। इसके अलावा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इनेट एबिलिटी, अगर इसको सिखाया जाए ढंग से तो बच्चा सीख पाएगा। इनेट एबिलिटी ऑफ पर्सन जो है, यहां अगर आपने मेथड सही अपनाए हैं, सही उसको पहले से ही एक शिक्षा या कहें तो इसको एनवायरमेंट मिला अगर ज्यादा अच्छा, तो ऑब्वियस है कि बेहतर कर पाएगा बच्चा। तो यहां जो है सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड को ज्यादा हमने बेहतर माना है। इसका एक रीजन ये कह सकते हैं, अगर एग्जाम्पल लेना चाहें कि दो लोग हैं, अगर एक ऐसा बच्चा जो जहां पर उसने पहले बैकग्राउंड में अपने कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, उसका जो कैलकुलेशन का बेस है वो ज्यादा बेहतर होगा ऐसे बच्चे से जो शायद किसी फार्मर की फैमिली से आ रहा हो, और एक बच्चा जो शायद किसी शॉप पे बैठता हो या उसका जो एक वजन तोलने से लेकर बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके पहले से तैयार होंगे या वो प्रभावित होगा। ठीक, तो इस केस में हम जोड़ सकते हैं इस बात को, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू एक्सप्लेन दैट 1/4 इज लेस देन 1/3। भाई 1/4 जो है वो छोटा है 1/3 से। इस चीज को समझाने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सी एक स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट साबित होगी। पहला है यूजिंग एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे, पेपर स्ट्रिप्स लेंगे, डाइम्स ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे या नंबर चार्ट का आप इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स, पेपर स्ट्रिप्स का आप सिंपल इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं। मान लो ये एक स्ट्रिप है, आपने इसको तीन में डिवाइड कर दिया, और इसी स्ट्रिप को जब आप, अब इतनी जगह बची नहीं है यहाँ, इसी स्ट्रिप को जब आप चार में डिवाइड करके दिखाएंगे तो आप बता देंगे कि भैया इस तरीके से 1/3 जो है वो बड़ा होगा 1/4 से। ठीक, तो आंसर क्या है, पेपर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करके आप इसको बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। आप प्राथमिक बच्चे को, प्राथमिक कक्षा के बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, और इस स्थिति में आप एक लेसन प्लान बनाते हैं हर एक लेसन को, हर एक क्लास में जाने से पहले टीचर का एक लेसन प्लान होगा, आप क्या उस क्लास में किस तरीके से कराएंगे, किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कौन से एग्जांपल्स आप यूज कर रहे हैं या प्रीवियस नॉलेज से कैसे जोड़ेंगे, कौन से क्वेश्चंस आप पूछेंगे, ये सब चीजें लेसन प्लानिंग में आती है और लेसन प्लानिंग मस्ट है। अगर यहां पर ये लेसन प्लान्ड ना हो पहले से तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लमेटिक है ये अपने आप में। फिर मतलब जितना आप अगर 150% दे सकते थे, आपने सिर्फ 100% दिया, तो नुकसान किसका है, बच्चे का है उसमें। ठीक, तो ये टीचर की जिम्मेदारी है, चाहे जीवन निकल जाए, कि लेसन प्लानिंग के बाद ही आप क्लास में घुसे। फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, लेसन प्लानिंग में आपकी एक चीज इंक्लूड होनी चाहिए कि बच्चे को कंस्ट्रक्शन का मौका मिले, उसको अपॉर्चुनिटीज मिले जिसमें वो
एक्सप्लोर कर पाए, जो कॉन्सेप्ट कैसे कनेक्टेड हैं अपने आप में, कैसे कंस्ट्रक्टेड हैं, वो देख पाए रियल लाइफ में कुछ एक्टिविटीज करके. तो सी ऑप्शन इसका सिंपल और सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम. अब ये कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम पर एक क्वेश्चन आता ही है, कई बार प्याजे को भी डाल देते हैं यहां पर. अगर मैं बात करूं तो बात हो रही है कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन होगा, जो एक्टिविटी को वैल्यू करे. मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, स्कूल ऑफ थॉट है, साइकोलॉजी की बात करता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन की बात होती है कि नॉलेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय डूइंग एक्टिविटीज. मतलब ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है सक्रियात्मक रूप से, अगर बच्चा क्रिया कर पाए तो, एक्सप्लोर कर पाए तो. इस केस में अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स किस एक चीज को, मैथमेटिक्स क्लासरूम में किस चीज को वैल्यू दी नहीं दी जाएगी, नॉट की बात हो रही है. द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन. जो लैंग्वेज और डायलॉग को इंपॉर्टेंस देना, या फिर द टीचर एक्नॉलेजेस दैट स्टूडेंट्स मे कंस्ट्रक्ट मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग्स फ्रॉम अ गिवन इंटरेक्शन. भाई बच्चों को इस बात को पहचानना कि बच्चों को मल्टीपल पर्सपेक्टिव कंस्ट्रक्ट करने का मौका दिया जाए. या फिर सी ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज द प्राइमरी मींस ऑफ असेसमेंट. मतलब आप सिर्फ एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हो, या फिर कनेक्शंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर करिकुलर एरियाज आर हाईलाइटेड. सब में बच्चा एक्टिव है सिवाय एक चीज के, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज द प्राइमरी मींस ऑफ असेसमेंट. मेन जो आपका उद्देश्य है, आप बच्चे को टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के फॉर्म में कर रहे हैं, येस और नो की फॉर्म में कर रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं है. कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चा एक्टिव है, आप ऑब्जर्वेशन में या एक्टिविटीज कराने के दौरान ही उसको असेस कर सकते हैं. मेन मुद्दा असेसमेंट नहीं है, मेन मुद्दा यहां लर्निंग होना चाहिए था. तो आंसर क्या हुआ, सी हो गया. ये गलत है इसलिए सही है, समझ रहे हो ना, ये गलत है इसलिए सही है क्योंकि नॉट पूछा था. ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इन अग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स. मतलब कि इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो सृजनात्मकतावाद या रचनावाद, जिससे प्याजे, वाइकोस्की, ब्रूनर ये सब बिलोंग करते हैं. एनसीएफ पूरा आपका इसी पर बेस्ड है. पेडागॉजी इसलिए अलग अलग नहीं है हर एक सब्जेक्ट की, कुछ कुछ चीजें अलग है, बट सारी जो ज्यादातर चीजें वो आपको कॉमन मिलेंगी. ठीक, तो अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिकल व्यू जो है बच्चे के लिए वो किस प्रकार का होगा. पहला ऑप्शन है, मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स. भाई फैक्ट्स जान पाए बच्चा. मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रुथ. मैथमेटिक्स सच का पता लगाता है, फैक्ट्स को जानने की बात करता है. या फिर मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिविटी किसमें होगी, या तो सही है मैथ्स में कुछ, या तो बिल्कुल गलत है. ऐसा नहीं होगा बीच में कुछ हो. पेडागॉजी नहीं है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, पेडागॉजी ऑब्जेक्टिव नहीं है हमेशा, बहुत सारे पर्सपेक्टिव में सब्जेक्टिव हो जाती है. ठीक है, स्पेशली जो साइकोलॉजी जैसी बात हो. फिर है, विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स. तभी होता है कि बहुत सारे आंसर कीज में भी प्रॉब्लम होती है. मैथ्स में कभी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी आंसर कीज में, अगर 2+2 है तो वो 4 ही आएगा. तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स. आप बच्चे को विजुअलाइज करने का मौका दें, जिससे वो एक्टिव होकर के कुछ कॉन्सेप्ट सीख सके. सिर्फ फैक्ट्स नहीं आप उसको रटवा दे रहे हैं, या सिर्फ बता दे रहे हैं फॉर्मूलाज, ना ही सिर्फ आप प्रूव करने के लिए कह रहे हैं, आप विजुअलाइजेशन का मौका दे रहे हैं, यानी वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेगा, बच्चा एक्टिव होगा. अब ये कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो अलग नहीं है आपकी साइकोलॉजी या सीडीपी से. कंस्ट्रक्टिविज्म वही है, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि मैथ्स में आप कैसे अप्लाई करेंगे. बच्चा जब विजुअलाइज करेगा, इमेजिन करेगा, आपने कहा कि अच्छा एक इतने सेंटीमीटर का या ऐसा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ऐसा क्यूबिकल एक बॉक्स है, तो वो विजुअलाइज करेगा यहां अपने दिमाग में, इसको विजुलाइज करेगा. और विजुलाइज करेगा तो भाई क्या है, उसके सेंसेस एक्टिव हैं, वो खुद एक्टिव है और एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर पाएगा जो भी आप उसको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, उसमें वो इन्वॉल्व हो पाएगा. ठीक है बात, तो इसलिए आंसर जो था वो डी था. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग चिल्ड्रन. अब ये स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्या है, बेसिकली बच्चों में स्थानिक समझ, जो गार्डनर भी बात करते हैं जिस स्थानिक बुद्धि की, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की, यानी कि बच्चा पोजीशन को, स्पेस को, ज्योग्राफिकल जो बेसिकली शेप है ऑब्जेक्ट की, जो पोजीशन है, इन सबको वो समझ पाए. इसके लिए आप क्या करा सकते हैं. पहला है, ड्रॉइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बॉटल. जो बोतल होती है उसका एक ऊपरी शीर्ष जो है, उसको वो अगर बनाएगा तो उसको कुछ समझ आएगी. या फिर लोकेटिंग सिटीज ऑन अ मैप, मैप पर सिटीज को लोकेट करे. या फिर नोटिंग द टाइम ऑफ मून राइज, ये नोट करे कि भैया चंद्रमा कब निकलता है.
या फिर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पर वो रिप्रेजेंट करके दिखाए नंबर इधर नेगेटिव में इधर पॉजिटिव में कि ये है मैथमेटिक्स। खैर स्पेशल अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी जब बच्चा कुछ भी एक पोजीशन से रिलेटेड, एक ऑब्जेक्ट की शेप से रिलेटेड कुछ ड्रॉ करेगा या फिर वो कुछ उस तरीके की चीज में इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर ड्रॉइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बॉटल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जिससे उसको एक एरिया के बारे में भी पता लगेगा कैसे वो उसकी शेप क्या है, सरफेस कितना है, ज्योग्राफिकल एक अंडरस्टैंडिंग भी उसके अंदर बनेगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ मैथ्स में बहुत ज्यादा बेहतरी का काम नहीं करता, इसलिए बी ऑप्शन बेस्ट नहीं है ए से, और जो बेस्ट है वही आंसर होता है, सिंपल बात है। ठीक है, तो ये एक बात हुई कि आप देखते भी हैं आपकी बुक्स में भी कितनी सारी चीजें होती हैं, फिगर्स दिए हुए होते हैं, ये आपने देख लिया एक सर्कल का फॉर्म है, यहाँ पर वो ड्रॉ करेगा उसको एक आइडिया लगेगा स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का, एरिया का, इसका उसका। ठीक, तो ये बेसिकली उसको मदद करेगा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बनाने में, उसको विजुअलाइजेशन में भी हेल्प हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, के सीखने के विषय में कौन सी एक बात ठीक नहीं है। दूसरा ऑप्शन है टीचर्स बिलीव्स अबाउट लर्नर्स हैव पावरफुल इंपैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स, या फिर स्टूडेंट्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इंपैक्ट देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, या फिर स्कूल्स लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इंपैक्ट अ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। अब बड़ा इन्होंने ये टिपिकल आंसर दे दिया है, अब जो चीज हम जनरली पढ़ते आ रहे थे ये उसके खिलाफ बात जा रही है। उसका रीजन क्या है, हमने अभी डिस्कस किया था, जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो प्रभावित कर सकता है आपकी एबिलिटी को, उसका रीजन हमने अभी डिस्कस किया था आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ठीक, तो ये नहीं है कि वो आपको अपाहिज बना देगा या बहुत अच्छा कर देगा, बट इम्पैक्ट कर सकता है। ये नहीं कहा गया कि कोई कमजोर आर्थिक या सामाजिक स्थिति से आ रहा है तो वो सीखेगा नहीं, ऐसी बात यहाँ नहीं हुई है। तो इस केस में आंसर जो है वो ए होगा कि एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट, कि भी आंतरिक ही होती है। अब ऐसा तो है नहीं, ये कोई चमत्कार तो है नहीं। ठीक, अगर सही रिसोर्सेज और सही चीजें दिखाई जाए तो सीख सकता है बच्चा। तो ये एक बात हुई, ए ऑप्शन सही हुआ।